डॉक्टर निंदन सक्सेना कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत नेताजी का चश्मा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नेताजी का चश्मा पाठ को स्पष्ट करने के लिए दो विभाग करेंगे, कठिन शब्द और दूसरा पाठ के सार को बताने के लिए 6 शीर्षक। कठिन शब्द इस प्रकार है, ऊहापोह दुविधा, शासनावधि शासन करने का समय, निर्णय फैसला, मासूम भोला, कमसिन माने सुंदर, कौतुक भरी, रहस्य भरी, दुर्दम्य जिसे कठिनता से दबाया जा सके, आहत दुखी, प्रफुल्लता खुशी। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा हुआ है। स्वयं प्रकाश जी एक कहानीकार हैं। वे मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल जितेरे हैं। उनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। पाठ का सार बताने के लिए पहला शीर्षक है कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। हालदार साहब कस्बे में कंपनी के काम से प्रायः आते थे। कस्बा छोटा था, मकान कच्चे थे। वहां एक नगर पालिका थी जो कोई ना कोई काम कराती रहती थी। उसने कस्बे के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र की संगमरमर की प्रतिमा बनवाकर लगवा दी थी। उस प्रतिमा को देखकर लगता था कि स्थानीय कलाकार के द्वारा बनाई गई होगी या स्कूल के एक ड्राइंग अध्यापक मोतीलाल जी के द्वारा एक महीने में बनाकर तैयार कर दी गई होगी। प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक थी। 2 फीट ऊंची प्रतिमा बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति के चश्मे का रहस्य। हालदार साहब जब भी उधर से गुजरते तो उन्हें ये बात बड़ी खटकती कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक पूरा एक काला चौड़े फ्रेम का चश्मा लगा दिया गया था। पहली बार जब उन्होंने मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा उनके होंठों पर कौतुक भरी मुस्कान आ गई और उन्हें लगा कि क्या आइडिया है, मूर्ति तो पत्थर की और चश्मा असली। हो सकता है यहाँ के लोग देशभक्त हों, परंतु उन्हें ये बात और भी अधिक हैरान करती कि मूर्ति के प्रतिदिन चश्मा बदला हुआ होता था। तब उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरा शीर्षक है चश्मा बदलने का रहस्य। आखिरकार हालदार साहब ने अपनी जीप रोक पा ली और उस कस्बे के चौराहे पर पान वाले की दुकान पर पहुंचकर पूछने लगे कि ये मूर्ति का चश्मा कौन बदलता है। पान वाला खुश मिजाज था, हंसमुख था, उसके मुंह में पान ठूसा रहता था, उसकी वो तुंदिल था, जब वो हंसता तो उसकी टोन थिरकती थी। उसने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा बदलता है। तब उसको उस चश्मे वाले को बिना चश्मे के मूर्ति आहत करती है। असली चश्मे के बारे में पूछे जाने पर उसने बताया कि मास्टर बनाना भूल गया। धन्यवाद।